बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डाइजेशन एज वेल एज एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। बीएस ऑनर्स का पेपर एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन और बीएससी का भी, उससे हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डाइजेशन क्या चीज़ है और डाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डाइजेशन क्या है और डाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली ये ब्रेक डाउन है। किस चीज की ब्रेक डाउन है? ये लार्जर पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन है इनटू द स्मॉलर वन। जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, जो सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उनको तोड़ना है इन पार्टिकल्स में, इतने छोटे पार्टिकल्स में कि वो आसानी से डिफ्यूज होकर सेल में एब्जॉर्ब हो सके। अब ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो डाइजेशन है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, केमिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है। लेकिन केमिकल और मैकेनिकल के अलावा ये जो डाइजेशन है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं, वन दैट इज विद इन द सेल एंड वन दैट इज आउटसाइड द सेल। हम पहले बात कर लेते हैं विद इन सेल की, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसमें क्या होता है कि सेल जो है वो पूरे का पूरा फूड पार्टिकल उसको इंटेक करता है, मोस्टली दैट इज बाय एंडोसाइटोसिस, दैट इज बाय फेगोसाइटोसिस, और इसको जो है वो फिर सेल के अंदर दाखिल करके वहां पर अपने एंजाइम्स की मदद से, अब ये फूड पार्टिकल एंटर होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और फिर एंजाइम्स जो है वो उस फूड वैक्यूल के साथ अटैच होंगे और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो इस फूड पार्टिकल की ब्रेकडाउन करवा देंगे और ब्रेकडाउन करवा के ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह की मैकेनिकल डाइजेशन नहीं है। जो डाइजेशन हो रही है यहाँ पर वो डाइजेशन हो रही है केमिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन सेल डाइजेशन है, और ये डाइजेशन ज्यादातर कर रहे हैं हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन्स की बात हो जाती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर वो इसमें जो आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ स्पॉन्जेस भी हैं, कुछ नेडेरियंस भी हैं, कुछ प्लेटेहेलमिंथेस भी हैं उनके अंदर, और कुछ प्रिमिटिव कार्डेट्स हैं उनके अंदर भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरी डाइजेशन है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है? दैट इज डाइजेशन आउटसाइड द सेल। वो आउटसाइड द सेल कहां पर होगी? दैट मे बी विद इन अ कैविटी, दैट मे बी इन अ ट्यूब, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसके अंदर हो रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है? इसमें एंजाइम्स को खारिज किया जाता है उस खुराक के ऊपर और उसकी ब्रेकडाउन होती है आउटसाइड द सेल, और सो न्यूट्रिएंट्स टूट के एब्जॉर्बेबल होके फिर उसको जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द सेल और सेल के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या ब्रेकडाउन हो रही है इन अ कैविटी या इन अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कोई भी स्पेशल ऑर्गन जो उस एनिमल ने बनाया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये दो तरह की डाइजेशन, इसको हम आगे फर्दर एनिमल्स की डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। अभी हम जो डिस्कस करते हैं कि एनिमल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कैसे करते हैं, मुख्तलिफ एनिमल के अंदर स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करने लगे हैं जिसके जरिए वो खुराक ले रहे हैं, खुराक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में खुराक ले रहे हैं या वो फिल्टर करके ले रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं, वो फर्ज को खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की फीडिंग हैबिट्स हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि वो खुराक खाएंगे, इंटेक करेंगे और फिर सेल के बाहर या सेल के अंदर उसकी फर्दर डाइजेशन करेंगे।
लेकिन वो खुराक खाएंगे कैसे, फीड कैसे करेंगे। जो फीडिंग स्ट्रेटजीज है एनिमल के अंदर वो मुख्तलिफ तरह की, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली फीड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो डिसकॉन्टीन्यूसली फीड करते हैं, कुछ सस्पेंशन फीडर्स होते हैं, डिपॉजिट फीडर्स होते हैं। हर्बीवोरी भी देखी गई है एनिमल्स में, प्रेडिशन भी देखी गई है, सरफेस न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन भी है और फ्लूइड फीडर्स भी हैं। हम सब को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फीडर्स। कॉन्टीन्यूस फीडर्स क्या है? जो मुसलसल फीड करते रहते हैं, ज्यादातर ये स्लो मूविंग होते हैं या ससाइल होते हैं, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। ये जो कंटिन्यूस फीडर्स है ना, इनमें ज्यादातर सस्पेंशन फीडर्स आते हैं जो पानी के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली फीड करते रहेंगे। बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो ट्यूब वर्म्स हैं या बर्निकल्स हैं, जो क्या करते हैं पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं। देयर आल्सो टर्म्ड सस्पेंशन फीडर्स। ठीक है, तो कंटिन्यूस फीडर जो मुसलसल फीडिंग करते हैं, डिसकंटिन्यूस फीडर्स वो होते हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा मोबाइल हैं एनिमल। ये क्या करते हैं, ये खुराक को खाएंगे, उनको जिस्म के अंदर ले जाएंगे और फिर उसको तोड़ के उससे एनर्जी लेते हुए वो सारा साथ साथ अपनी एक्टिविटीज भी करते रहेंगे, मुसलसल खाते ही नहीं रहेंगे। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूस फीडर होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेशलाइजेशन से ज्यादा होती है। ठीक है, वो लार्ज मील खाता है ज्यादा ज्यादा और उसको जो है वो फिर ग्राउंड अप करता है, उसको फिर एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूस फीडर है दैट स्पेंट मोर टाइम, मैक्सिमम टाइम इन फीडिंग, एंड डिसकंटिन्यूस फीडर दैट स्पेंट वेरी लो टाइम इन फीडिंग और उसके बाद उसको फीड किए हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मील है वो उसकी जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मुख्तलिफ और भी जो है वो फीडिंग टाइप्स हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन फीडर्स की। जैसे मैंने अभी बात की कि ये कॉन्टिन्यूसली फीड कर रहे हैं, ये क्या करते क्या हैं? ये बेसिकली जो है पानी में से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करके लेते हैं। तीन मेन स्टेप हैं। पहले नंबर पर तो ऐसी इनकी फीडिंग स्ट्रक्चर होगी जिसमें से पानी गुजर सकता है और उस फीडिंग स्ट्रक्चर के ऊपर से ये पानी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, उसको पास करवाएंगे और फिर उस पानी के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उनको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये इनके पहला काम कि अपनी फीडिंग स्ट्रक्चर के ऊपर से वाटर ट्रांसपोर्टेशन करवाई, दूसरा काम उस पानी में से न्यूट्रिएंट्स की रिमूवल कर ली और तीसरा काम इन न्यूट्रिएंट्स को मूव करवा के माउथ में और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बने। बहुत सारे स्पॉन्जिस में ऐसा हो रहा है, सीडियंस में ऐसा हो रहा है। ठीक है, कुछ बाइवेल्व्स भी ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, कुछ पॉलीक्यूट्स भी हैं, कुछ गैस्ट्रोपोड्स भी हैं। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ इसमें एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज मेन हमने ये डिस्कस कर ली कि फीडिंग कंटिन्यूसली फीडिंग जिसमें हो क्या रहा है, जिसमें पानी को गुजारते हुए अपने जो है वो उसके ऊपर से माउथ पार्ट्स के ऊपर से उसमें से फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिपॉजिट फीडर। डिपॉजिट फीडर्स क्या है? डिपॉजिट फीडर्स ये हमारे पास वो फीडर्स हैं हम बात कर रहे थे कि डिपॉजिट फीडर्स ये वो फीडर्स हैं जो मेनली ओमनीवोरस हैं, जो दोनों तरह की फीड की बरगुजारा करेंगे, एनिमल से भी, एनिमल सोर्स से भी, प्लांट सोर्स से भी। ये बेसिकली सॉफ्ट डिवेलपिंग एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं, ज्यादातर नीचे मड में, सैंड में ये अपनी खुराक जो है वो ढूंढते रहेंगे, उन खुराक को जो डिपॉजिट हुई है स्पट उस जो है वो मड के अंदर, उस क्ले के अंदर, उस साइल के अंदर। ठीक है, तो ये वहां से जो है वो अपनी खुराक जो है वो ढूंढेंगे।
उनमें से जो यूजेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ये डाइजेस्ट कर लेंगे और जो रिमेन होगा वो मट्टी की सूरत में जैसी वो पास आउट हो जाएगा। बहुत सारे पॉलीकीट्स एनिलेट्स हैं, कुछ स्नेल जैसी हैं, कुछ सी अर्चन है एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द अर्थवर्म, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये डिपॉजिट फीडर्स के तौर पर है। अर्थवर्म इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्या करेंगे, ये उस मड को उस क्ले को खाएंगे और उसमें जो डिपॉजिट हुई हुई फूड है उसको ये डाइजेस्ट कर लेंगे, बाकी जो है वो ये क्या करेंगे, ये वेस्ट की सूरत में बाहर निकाल देंगे। और इसकी एग्जांपल्स मैंने अभी बात की कि सी ककंबर भी इसकी एग्जांपल है, कांस हैं, कुछ कुछ फोलिकीड्स हैं, वो डिपॉजिट फीडर। एक और हम जो टाइप डिस्कस करने लगे दैट इज हर्बीवोरी। हर्बीवोरी क्या है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हर्ब्स के ऊपर फीड करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो बड़े पौधों को खाते हैं। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये बाइट कर सके, कट कर सके, उस प्लांट को खा सके और फिर उसको च्यू कर सके। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी मैक्रो हर्बीवोरी शो करते हैं, जैसे कुछ स्नेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो ग्रास वगैरह जो है वो ऐसे खा रही हैं। कुछ पॉलीकिट वर्म्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं मोस्टली, वो भी जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह जैसे ग्रास ऑपर आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी हर्बीवोरी शो कर रहे हैं। और सी अर्चन जो है वो भी इसमें जो है वो आ रहा है। अब कुछ अडेप्टेशंस हैं हर्बीवोरी के लिए, जैसे हम बात करें जो मोलस्का है, तो जितने भी मोलस्क हैं उनके पास रेडियोला मौजूद है। रेडियोला दैट इज अ रेस्टिंग टंग, एक बेल्ट की तरह की टंग है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ मौजूद होते हैं। ये अपने इस रेडियोला की मदद से स्टोन के ऊपर लगे हुए एलजी को ये स्क्रैप कर सकते हैं, ये पत्तों को काट सकते हैं, उसको टियर ऑफ करके खा सकते हैं। तो इस तरह से रेडियोला की मदद से ये लार्जर पार्टिकल्स को तोड़ते हुए ये खा रहे हैं, फीड कर रहे हैं हर्ब्स के ऊपर। जो पॉलीकीट्स हैं उनके पास टाइटेनियस टीथ होते हैं और इवर्सिबल पेरेंट्स होता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये एल्गा को, एलजी को ये स्क्रैप आउट करते हुए खा सकते हैं, ठीक है। और ये बाज औकात जो है जब प्लांट मटेरियल अवेलेबल ना हो तो यही पॉलीकीट्स इसकी मदद से कार्निवोरी भी जो है वो शो कर लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स के तकरीबन सारे ही ग्रुप्स में मैक्रो हर्बीवोरी देखी गई है, लार्ज प्लांट्स के ऊपर फीड करते हुए देखा गया है। जैसे हम इंसेक्ट्स की एग्जांपल ले लें, क्रस्टेशियंस की एग्जांपल ले लें, उनके पास पावरफुल मैंडिबल है लोअर जॉ, और उसकी मदद से बाइट करके प्लांट मटेरियल को ये काट के खा सकते हैं, उसको ग्राइंड कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। बाकी हर्बीवोरी में जो बड़े एनिमल्स हैं उसकी तो हमने पहले एग्जांपल्स ले ली कि कैटल्स वगैरह, वो तो कॉमन हम देख सकते हैं। प्रीडेशन क्या है, प्रीडेशन ये एक ऐसी जो है वो फीडिंग की टाइप है जिसमें जो प्रीडेटर है वो प्रे को खा जाता है, उसको मार के, उसको पकड़ के, उसको मार के खा जाता है। तो इसके लिए पहले नंबर पर तो उसको प्रे को कैप्चर करना जरूरी है, और कैप्चर करने के लिए एक्टिव होना भी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। वो तो कई एक रीजंस हैं जिसकी वजह, मतलब वो अगर प्रे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो भाग जाएगा तो प्रीडेटर कुछ नहीं कर सकता। तो जो प्रीडेटर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपने प्रे को कैप्चर करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीडेटर है ना उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं इस बेस पे कि वो कैप्चर कैसे करेंगे। कुछ प्रीडेटर्स ऐसे होते हैं जो मोटाइल स्टॉकर्स होते हैं, जो बड़ी तेजी से हरकत करते हैं, मूव करते हैं, भागते हैं, प्रे के पीछे भागते हैं और उसको पकड़ के खा जाते हैं। आपने कॉमन सी एग्जांपल जो है वो इसमें बड़े एनिमल्स में लेपर्ड की एग्जांपल आपके सामने ही है, वो अपने शिकार के पीछे भागता है और उसको पकड़ के खा जाता है। इस तरह से बहुत सारे सिलिएट्स हैं प्रोटोजोआ में, निमर्टन्स हैं, पॉलीकीट्स हैं, कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं, ऑक्टोपसिस के एग्जांपल है, स्क्विड्स हैं, कुछ क्रैब्स हैं, सी स्टार है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने प्रे के पीछे भागते हुए उसको पकड़ के उसको खा जाते हैं, देयर मोटाइल स्टार्कर्स। कुछ ऐसे हैं जो लर्किंग प्रीडेटर्स कहलाते हैं, मीन कि वो बैठते हैं छुप के, वो वेट करते हैं अपने प्रे का,
और जैसे ही वो मुनासिब फासले में परे उनके पास आए, जब उनको फील हो कि अब ये भाग नहीं सकता, वो उनको पकड़ के खा लें। ठीक है, जैसे हम बात कर लें स्पाइडर्स की, वो एक जाल बना देती हैं और उसमें बैठ के इंतजार करती हैं, जैसे कोई मक्खी कोई इंसेप्ट उसमें फंस जाता है और वो इस हद तक फंस जाता है कि इसको यकीन है कि अब ये वहां से भाग नहीं सकता, तो ये जाके उसको जो है वो खा लेगी। ठीक है, तो लर्किंग प्रेडेटर्स बैठ के इंतजार करते हैं अपने प्रे, और इसमें एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो श्रिम्प्स की हैं, क्रेब्स की हैं, कुछ पॉलीकिड्स की हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स की हैं। तीसरे जो हमारे पास प्रीडेटर हैं वो हैं सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट, वो मूव नहीं करते इतना, वो एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उसी वक्त जो है वो कैप्चर कर सकेंगे प्रे को जब वो प्रे उनके पास आ जाए। ठीक है, जो सेसाइल प्रोटोजोन्स हैं, इसके एग्जांपल्स हैं बैरनेकल्स हैं, कुछ निडेरियंस हैं। ठीक है, कुछ निडेरियंस हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है कि सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये बैठ के इंतजार करते हैं कि खुराक जब उनके पास आए और ये उनको जब वो खा ले। ठीक है, जो ग्रेजर्स हमने पीछे देखे थे वो एक्टिव मूव करते हुए, उसमें अगर हम बात करें जो ग्रेजिंग कार्निवोर्स हैं वो मूव अबाउट टू सबस्ट्रेट पिकिंग अप द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनकी जो ज्यादातर डाइट है वो सेसाइल स्लो मूविंग एनिमल्स होती है, ये भी जब हमने ऑब्जर्व किए हैं। लेकिन मेन ये तीन टाइप्स आप जब इसमें देख लें कि मोटाइल स्टॉकर्स, लर्किंग प्रीडेटर्स और सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सरफेस न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, कुछ ये हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा होंगे, जैसे सी वाटर, वहां से अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल जिसमें कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जैसे फाइलोमोनास है, कुछ एंडोपैरासाइट्स हैं, एंटोपैरासाइट प्रोटोजोन्स हैं, कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं, कुछ क्रस्टेशियंस हैं, ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर लें कुछ नॉन पैरासिटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स जिनके पास माउथ नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें उतना वेल डेवलप नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे गटलेस बाइवेल्विया है, पॉन्ग ओगोनोफोरॉन वर्म्स हैं, तो ये जो बाइवेल्व्स वगैरह हैं, ये जो वर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सी वाटर से ही न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ फ्लूइड फीडर्स भी हैं, बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर फीड करते हैं, और फ्लूइड फीडर्स में जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो पैरासाइट्स की है मोस्टली। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर फीड करते हैं, ब्लड हो सकता है, प्लांट का फ्लूइड सैप हो सकता है, रिच सोर्स होता है ये भी न्यूट्रिएंट्स का। जितने भी एक्टोपैरासाइट हैं मोस्टली वो फ्लूइड फीडर्स ही हैं। हम एग्जांपल ले ले अगर, तो लीच हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है, लैम्प्रेज इसकी बेस्ट एग्जांपल। लैम्प्रेज क्या करती हैं जी, कि उनके माउथ फनल शेप हैं इस तरह से और उनके अंदर कोई तकरीबन 200 के करीब जो है वो टीथ मौजूद होते हैं टंग के ऊपर, रेस्पिंग टंग के ऊपर। लैम्प्रे क्या करती है कि जिसके साथ भी आके अटैच होती है अपने उस माउथ फनल लाइक माउथ के साथ, वो सक्शन कप की सूरत में वो सक करके वो अटैच हो जाती है बॉडी वॉल के साथ, किसी भी फिश की बॉडी वॉल के साथ, और वहां से फिर अपने टीथ की मदद से रप्चर करते हुए उस फ्लूइड को सक करती रहती है। तो ये ब्लड के ऊपर डायरेक्ट उसको सक करते हुए फीड कर रही है, तो ये भी एक फ्लूइड फीडर है। जो इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, या कुछ ये सैप के ऊपर जो फीड कर रहे हैं, तो इनके माउथ ऐसे ट्यूब लाइक हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट नेक्टर के ऊपर फीड कर सकते हैं, प्लांट के सैप के ऊपर फीड कर सकते हैं। इनके माउथ पार्ट्स खास तौर पर इनके स्टाइलेट्स इस तरह से हैं कि ये आसानी से ये जो है वो प्लांट के सैप को फीड कर सकें, डीप जो है वो उसके अंदर सेल के अंदर मूव कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं एनिमल्स जो
नेक्टर फीडिंग है, जैसे बर्ड्स की हम एग्जांपल ले लें, उनकी जो बिल है वो लॉन्ग हो जाती है, जैसे हिमिंग बर्ड की आप एग्जांपल ले लें, और ये जब अपनी लॉन्ग बिल की मदद से फ्लावर के अंदर से जो है वो नेक्टर को फीड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बर्ड्स की टंग ऐसी है कि वो ब्रश लाइक हो जाती है और आसानी से वो नेक्टर को सक कर सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्ट बेल्ड हैं और नेक्टर के ऊपर जो वो फीड करते हैं, वो फ्लावर की बेस पे एक होल डेवलप कर लेते हैं, सुराख कर लेते हैं और उसके ऊपर नेक्टर को फीड करते रहते हैं, ठीक है। कुछ हमने ऐसे भी एनिमल्स जो है वो ऑब्जर्व किए हैं जो ब्लड के ऊपर फीड कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे हम बात करें तो मैमल्स में एक ही ग्रुप है वो डायरेक्ट ब्लड के ऊपर फीड करने वाला, दैट इज वैम्पायर बैट्स, ठीक है। जैसे उसमें एक एग्जांपल डेस्मोडस की ले लेते हैं, ट्रॉपिकल साउथ और सेंट्रल अमेरिका में के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स के ऊपर, कैटल्स के ऊपर, ये हॉर्स वगैरह के ऊपर अटैक करते हैं और अपने फ्रंट टीथ की मदद से जो नाइफ की तरह है, शार्प है, ये ब्लड वेसल्स को कट करके डायरेक्ट खून चूस लेते हैं। कुछ नेक्टर फीडिंग बैट्स भी देखी है जो क्या करती है, लॉन्ग टंग की मदद से नेक्टर को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है, प्लांट्स के जो है वो रस को जो है वो चूस रही है। ये भी जो है वो ऑब्जर्वेशन देखी गई है एनिमल्स में। तो इसका मतलब है एनिमल्स जो फ्लूइड के ऊपर फीड कर रहे हैं वो सैप के ऊपर, नेक्टर के ऊपर, या ब्लड के ऊपर, या बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर जो है वो फीड कर रहे होंगे, बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर फीड कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम ब्लड फ्लू के एग्जाम्पल ले लें, वो ब्लड के अंदर रहते हुए ब्लड के ऊपर जो है वो फीड, ज्यादातर ये जो फ्लूइड फीडर्स हैं ये देखे गए हैं, ये पैरासाइट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पैरासिटिक की कि वो पैरासाइट एक्टो ही हो, एंडो पैरासाइट्स भी फ्लूइड फीडर्स जो है वो हो सकते हैं। जैसे हम बात करें एंटामेबा हिस्टोलिटिका की, ठीक है, वो जो है वो हमारे ऑरल कैविटी के अंदर रह रहा है और ये जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर रह रहा है, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर रह रहा है, ठीक है। और ये अमेबाइड डिसेंट्री का सबब भी बनता है साथ में, और ये वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रहते हुए ये फीड कर रहा है किसके ऊपर, बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर, ब्लड के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज थी एनिमल्स के अंदर जिसके जरिए एनिमल्स अपनी फीडिंग ले रहे हैं, खुराक को कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप जो कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर फीडिंग। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इससे